दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय कुमार को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में बुधवार को बरी कर दिया। इसी संदर्भ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सज्जन कुमार के अलावा दो अन्य आरोपी वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे के आरोप साबित करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने कहा, आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय कुमार को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में बुधवार को बरी कर दिया। इसी संदर्भ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सज्जन कुमार के अलावा दो अन्य आरोपी वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे के आरोप साबित करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने कहा, आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।